तो यार अभी अभी होम वाले फिल्म्स की तरफ से एक बेहतरीन अपडेट सामने निकल कर आ चुका है। तो कुछ दिन पहले सालार मूवी को लेकर होम वाले फिल्म्स ने यह दावा किया था कि सालार मूवी होम वाले फिल्म्स की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म होने वाली है। अब इन लोगों ने मूवी के प्रमोशन के लिए सालार को होम वाले फिल्म्स की सबसे बेस्ट मूवी नहीं बताई गई है, बल्कि भीत प्रूफ के साथ बताया गया है कि डार्लिंग प्रभास की जिन फिल्मों ने सबसे ज़्यादा कमाई की गई है उन लोकेशन पर सालार मूवी के राइट्स नहीं बेचे जाएंगे, बल्कि अपने दम पर मूवी को रिलीज किया जाएगा। खासकर आंध्र प्रदेश में सालार मूवी के राइट्स ना के बराबर बेचे जाएंगे। अब जितने भी थिएटर ओनर है उन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा दिया जाएगा, इससे होम वाले फिल्म प्रोडक्शन को काफी बेनिफिट हो सकता है। इन लोगों को अपनी क्रिएटिविटी पर इतना भरोसा है कि सालार मूवी के राइट्स ना बेचकर भी मूवी को थिएटर में चलाने का दम रखते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि होम वाले फिल्म प्रोडक्शन का क्या पावर है। देखो इस हफ्ते टीजर की तो बाढ़ ही आ गई। सबसे पहले सालार का टीजर आया, इसके बाद जवान का टीजर आया, फिर बवाल का टीजर आया, लगे हाथ ओ माय गॉड 2 मूवी का भी टीजर आ गया। लेकिन इस सबसे ऊपर तो सालार का टीजर ही है। तो सालार के टीजर ने 100 मिलियन व्यू तो चुटकियों में पार कर दिए, लेकिन आज उस पर 118 मिलियन व्यूज है। देखो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में भी 50 से 60 मिलियन व्यूज पर अटक जाती है, जहां पर सालार ने 100 मिलियन व्यूज तो चुटकियों में पार कर दिए। तो इससे ये साबित होता है कि होम वाले फिल्म प्रोडक्शन का पावर क्या है। इसके पीछे एक ही हिडन डिटेल है, जो है लेजेंडरी डायरेक्टर प्रशांत नील और KGF के फैंस। इससे पहले कन्नाडा इंडस्ट्री की एक भी ऐसी मूवी नहीं थी जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया हो, लेकिन आज एक टीजर भी 100 मिलियन चुटकियों में पार करता है, चाहे वो KGF चैप्टर 2 का टीजर हो या फिर कांतारा का हो या फिर सालार का हो। सालार मूवी का यह सबसे बड़ा अपडेट है कि होम वाले फिल्म प्रोडक्शन ये दावा ठोककर बोला है कि वो सालार मूवी के राइट्स नहीं बेचेंगे, बल्कि अपने खुद के दम पर मूवी को रिलीज करेंगे। तो मैं आज आपके सामने एक चैलेंज रखना चाहता हूँ कि आप लोग सालार मूवी को डायरेक्टर प्रशांत नील के डायरेक्शन की वजह से देखना चाहते हैं या फिर सुपरस्टार प्रभास के स्टारडम की वजह से, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।